बताओ यहाँ। देखिए झोल, अभी झोले हैं, उसके बाद इसका पाँख जो है इसको निकाल रहे हैं, उसके बाद पाँख निकाल के थोड़ा पानी में धोएंगे इसको, उसके बाद हल्दी उल्दी लगाएंगे इसको यहाँ, उसके बाद वहाँ पकाएंगे, उसके बाद खाएंगे, तेल उल मसाला उसाला डाल के यहाँ पे, है ना, चालू है। तो उसका मुर्गिया दूसरे दिखता है नहीं, वो आग में पका दिए ना, आग में इसको झोले ना, इसीलिए उसका मुंडी अभी दूसरे दिख रहा है। अच्छा, हाथी बोलते हैं। हाँ, उसके बाद अभी साफ करेंगे इसको पूरा। मिथिलेश बाबू है, उसको अभी पोटा साफ कराएंगे। हाँ, उसके बाद इसको हीरो को, इसको अभी अभी हम धोएंगे इसको, इसको धोएगा, इसको हागल साफ करेगा। हाँ, तो साफ करेंगे, फिर से देख के झोल रहे हैं। इसको पूरा सफाई नहीं किए हैं, सफाई किए हैं, बाकी है अभी थोड़ा, सब कटी जाओ। बोल 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 बोल। सफाई पूरा नहीं हुआ तो फिर से उसको झोल रहे हैं, तो झोल के फिर से गर्म हो रहा है, उसको गर्म करके फिर से उसको पाँख है जो निकालेंगे, पूरा सफाई करेंगे। अरे भाइयो मसलवा। उसके बाद उसको मुंडी काटेंगे, उसके बाद पोटा निकालेंगे। गाड़ी के बाद लेके जाते हुए थी कौन रो मसाला उसने डालेंगे अभी, लेकिन पनी लान रे, पनिया पनी लान, 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 धोआ धोए ना, कोई धोआ धोए ना। बोल। हाँ, अच्छा से एकदम क्लीन करके उसको आग में पकाना है। पकाने के बाद मसाला है जितना है सब मिला के तेल और मसाला के साथ में पूरा इसको बैठ के देसी अवकाची है, लरी वाला, वो लरी का है, ये लरी तो मुर्गी का जो अंदर में रहता है, पचौनिया उसको बोलते हैं। हाँ, उसको देसी में पोटा बोलते हैं। तो वहीं रहिएगा तब ना। आग है उधर ज्यादा। चोचरा को उसको निकाल रहे, उसको खींच, उधर पोटवा निकलता हुआ खींच, तो दे दिला घर। इसको पकाएंगे तो कम हो गया, तो पके कैसे? देखिए हम लोग को हवा में धुकना पड़ता है, अभी पानी का मौसम आया था, दो दिन से भिंजा हुआ है, इसलिए जल नहीं रहा है आग।